इस्तकबाल मरियम नवाज, तुम्हारी आवाज हमारी आवाज, मरियम नवाज मरियम नवाज मरियम नवाज, बादर बाकी बादर बिकी, बादर बाकी बादर बिकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी, शुक्रिया, मेहरबानी, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत मोहतरम जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब, जनाब अब्दुल कादिर बलोच साहब, जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, जनाब मियां इफ्तखार साहब, जनाब सरदार याकूब खान नासिर साहब, जनाब मौलाना अब्दुल वसी साहब, जनाब अली मदद जतक साहब, बलोचिस्तान बार एसोसिएशन, जनाब जलील मर्दान जरई साहब, जनाब इस्मतुल्ला साले साहब, जनाब जमाल शाह काकर साहब और तमाम ऑपोजिशन पार्टीज के बहुत मोहतरम मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, बलोचिस्तान के गयूर भाइयों बहनों बुजुर्गों बेटों और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेरों, आपको आपकी बेटी आपकी बहन मरियम नवाज का सलाम। और आपको लाहौर में बेगुनाह कैद जेल से, कोट लखपत जेल से आपके मुंतखब वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम। मेरे बलोचिस्तान के भाइयों बहनों, आप उर्दू समझते हो ना? कितने लोग उर्दू समझते हो? अच्छे से समझते हो? जो नहीं समझते या कम समझते तो वो जो ज्यादा समझते वो मेरे भाइयों को समझा दें, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनना और उनका जवाब भी देना। दोगे ना? मेरे भाइयों बलोचिस्तान के भाइयों बहनों, नवाज शरीफ बलोचिस्तान से प्यार करता था, नवाज शरीफ बलोचिस्तान से मोहब्बत करता है। और आज इसीलिए जब महमूद खान अचकज़ई साहब ने मुझे दावत दी तो मैं लाहौर में यौम सियाह की रैली छोड़ के भाग कर क्वेटा आ गई आपके पास। और ये जो नवाज शरीफ की आपसे मोहब्बत है, बलोचिस्तान से मोहब्बत है जो कि उसने मरियम नवाज के दिलो दिमाग में भी डाली है, उसकी गवाही
सिर्फ यहाँ बैठे कायदीन नहीं देंगे बल्कि चागी के पहाड़ भी नवाज शरीफ की बलोचिस्तान से मोहब्बत की गवाही देंगे। याद है ना चागी में जब नारे तकबीर का नारा गूंजा था तो बलोचिस्तान में आपको सलाम पेश करती हूँ कि जब पाकिस्तान को एटमी ताकत बनना था तो बलोचिस्तान ने अपना सीना पाकिस्तान को पेश किया। और 2017 में 2 दिसंबर को नवाज शरीफ साहब जब खान शहीद अब्दुल समद खान अचकज़ई साहब की बरसों के मौके पर क्वेटा में तशरीफ लाए थे तो उन्होंने आपसे वादा किया था, आप गवाह हैं अचकज़ई साहब, उन्होंने आपसे वादा किया था कि आईन के पाकिस्तान के आईन की पासदारी के मुतालबे से पीछे नहीं हटूंगा, वादा किया था ना। और आज बलोचिस्तान के मेरे भाइयों वो इस वादे की निभाने की पादाश में आज वो बेगुनाह होते हुए भी जेल में बैठा है। और न सिर्फ वो जेल में बैठा है बल्कि उसका इस वादे में साथ निभाने पर पाकिस्तान की बेटी आपकी बेटी आपकी बहन को भी जेल में फेंक दिया गया। लेकिन मेरे आज हम जमा हुए हैं यहां पर यौमे स्याह मनाने पर। जानते हो ना कि आज हम यौमे स्याह क्यों मना रहे हैं, जानते हो ना? इस दिन एक साल पहले आपके वोट को पांव के नीचे रोंदा गया। आपके वोट को पांव के नीचे मसला गया और बलोचिस्तान में बाप जैसी पार्टी को आपका इक्तदार आपका हक छीनकर 500 वोट रखने वाला 500 वोट लेने वाला आपके सर पे मुसल्लत कर दिया गया है ना, शर्म की बात। और मेरे भाइयों पिछले 2-3 साल से यकीन जानो हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बलोचिस्तान के अवाम की तरह ये गवाही देगा कि पिछले 1-2 साल से पाकिस्तान का हर दिन यौमे स्याह है। जब इलेक्शन से पहले इलेक्शन वाले दिन सिर्फ यौमे स्याह नहीं था, इलेक्शन से पहले जब आपके ये बाप पार्टी बनी कहां से आ गई 10 दिन के अंदर अंदर ये पार्टी, जिस तरह ये पार्टी बनी जिस तरह अवाम के हकीकी नुमाइंदों को जिनको डर था कि ये जीत जाएंगे उनको चुन चुन कर मैदान से बाहर किया गया, उनको कहा गया कि अपनी पार्टी अपनी वफादारियां तब्दील कर लो। और जिसने खुददारी का मुजाहरा किया जिसने गैरत का मुजाहरा किया और अपनी पार्टी नहीं छोड़ी उसके ऊपर झूठे मुकदमात बना दिए गए, उसके ऊपर नैब के केसेस बना दिए गए, किसी को आज मंशियात के इल्जाम में अंदर कर दिया जाता है, किसी को आज 1907 और 1970 के जमाने के मुकदमात में अंदर कर दिया जाता है। और आज जब पाकिस्तान के अवाम ये जो आपकी हम यहां पर यौमे स्याह मना रहे हैं ना, इलेक्शन में जो आपके वोट पर डाका डाला गया था, जो आपके हक पर डाका डाला गया था, जिसके नतीजे में आज अजाब की सूरत में ये नालायक आजम सिलेक्टेड आजम आज हमारे सरों पर मुसल्लत है, इसकी हुक्मरानी में हर दिन आज यौमे स्याह है। जब महंगाई से गरीब का बच्चा रोता है, जब महंगाई से गरीब के घर में रोटी नहीं होती, जब महंगाई से कारखाने बंद होते हैं, जब महंगाई से लोगों की रोजगार चले जाते हैं नौकरियां चली जाती हैं, जब इस नालायकी और ना अहली का असर लोगों के घरों पे
लोगों के कारोबार पे पड़ता है, लोगों के तरक्की पे पड़ता है। तो मुझे हाथ उठा के बताओ, क्या पाकिस्तान का हर दिन यौमे स्याह नहीं होता? जब IMF के पास पाकिस्तान को गिरवी रख दिया जाता है, जब पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे 16,000 अरब कर्जा एक साल में लिया जाता है, तो क्या हर दिन यौमे स्याह नहीं होता? जब ये सिलेक्टेड आजम, ना लायक आजम, ना अहले आजम अमेरिका में ट्रंप के पास जाके बैठता है, तो इसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। ये ट्रंप इसके सामने कह रहा है, क्या कहा ट्रंप ने, सुना ना? वो इसको सामने बिठा के इसकी मौजूदगी में ये कह रहा था कि जो पिछली हुकूमतें हैं उन्होंने मेरी बात, उन्होंने अमेरिका की डिक्टेशन नहीं ली, वो अच्छी हुकूमतें नहीं थी। यानी कि समझते हो ना इस बात का मतलब? इस बात का मतलब ये है बलूचिस्तान के भाइयों, इस बात का मतलब ये है कि पिछली हुकूमतों ने अपने अवाम का, अपने मुल्क का अमेरिका के हाथों सौदा नहीं किया। और अब उसने कहा कि ऐसी हुकूमत आ गई है कि जो इमदाद हमें बंद करनी पड़ी थी वो इमदाद अब हम खोल देंगे। उसको पता था कि ये हर जगह जाके मांगता है, ये मांगने वाला है, इसके सामने पैसों की बात करनी चाहिए। और इतना नालायक, इतना नाअहल है कि मेरे बलूचिस्तान के गयूर भाइयों, आप गैरत वाले लोग हो, इसमें इतनी भी गैरत नहीं कि ये अकेला पाकिस्तान की अमेरिका में नुमाइंदगी कर सके। इदारों के लोगों को साथ लेकर गया, क्योंकि अकेले इसकी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। है ना शर्म की बात? तो क्या जब ये ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बन के बैठा था, तो क्या वो दिन पाकिस्तान के लिए यौमे स्याह नहीं था? नहीं था। और मेरे भाइयों, पाकिस्तान को पाकिस्तान के सूबों में दूरियां पैदा करने वाले, एक मिनट, पाकिस्तान के सूबों में दूरियां पैदा करने वाले ये सूबे नहीं हैं, ये पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, ये एक दूसरे के भाई हैं। इनको दूर करने वाली है वो सोच इनको दूर करने वाली है जिसमें आपके वोट के हक पर डाका डाला है, जिसने आपके वोट को छीना है, जिसने यहां बाप जैसी पार्टियों की हुकूमत बनाई है। देखो, आज देखो वोट को इज्जत नहीं मिली बलूचिस्तान के भाइयों, वोट को इज्जत नहीं मिली, आपके वोट को इज्जत नहीं मिली, पंजाब के वोट को इज्जत नहीं मिली और पार्टियों के वोट को इज्जत नहीं मिली, इसीलिए पाकिस्तान आज इतने संगीन बहरानों से दोचार है। मुझे जरा हाथ उठा के बताओ, महंगाई हो गई है ना, रोटी महंगी हुई है ना? एक भाई मुझे बताए कि नवाज शरीफ के जमाने में रोटी कितने की थी, कितने की थी रोटी पर नवाज शरीफ के जमाने में? 5 रुपए की थी। और आज कितने की रोटी है? 20 रुपए की, 25 रुपए की रोटी है। और जिस मुल्क में लोगों के पास रोटी पूरी ना हो रही हो, जिस मुल्क में सनतें बंद हो रही हो,
जिस मुल्क में कारोबार बंद हो रहे हों, जिसमें लोग अपने कारोबार लपेट के दूसरे मुल्कों में जा रहे हों, उस मुल्क का नालायक आजम बजाय इसके कि अवाम के मसाइल पे तवज्जो दे, उसके सर पे सिर्फ नवाज शरीफ और ऑपोजिशन का भूत सवार है। मेरे बलोचिस्तान के भाइयों, आज न सिर्फ आज सिर्फ रोटी महंगी नहीं हुई, आज सिर्फ खाने पीने की कई चीजें महंगी नहीं हुई, आज दवाइयां भी बहुत महंगी हो गई हैं। और मुझे अंदाजा है कि गरीब आदमी अपनी रोटी पूरी करे, अपने बच्चों की तालीम का खर्चा उठाए, या घर में बीमारी से जो सामने मौत नजर आ रही है, दवाइयां महंगी हुई है या नहीं हुई। मुझे पता चला है कि इंसुलिन, और मुझे पता चला है कि हर दवाई जो है उसकी कीमत तकरीबन डबल हो गई है। तो क्या ये हर दिन यौमे सयाह नहीं है पाकिस्तान में? और इसकी सारी तवज्जो इस तरफ है, घटिया आदमी है ना ये आपका जो नालायक आजम है, वो घटिया आदमी है, छोटा आदमी है, छोटी सोच है, दिल का छोटा है, दिमाग तो खैर है ही नहीं, बेसाखियों पे खड़ा है। उसकी सोच क्या है? उसकी सोच है कि 70 साल का बीमार जो आपका 3 दफा का वजीर आजम है, उसका खाना बंद कर दो, उसके कमरे से एसी उतार दो, और मीडिया की जबान बंद कर दो, मरियम नवाज शरीफ का इंटरव्यू बंद कर दो। मरियम नवाज शरीफ टीवी पे नहीं आ सकती, और आप ये जानते हो कि जहां भी मेरा जलसा होता है वहां 6-7 हजार गिरफ्तारियां होती हैं, पर्चे कटते हैं, मुस्लिम लीग नून के वर्करों को जेलों में डाला जाता है, सहाफियों की आवाजें बंद की जाती है, चैनल्स को धमकियां दी जाती है। और आप जानते हो कि आज का बलोचिस्तान का ये जलसा कहीं मीडिया पे नहीं, कहीं नहीं है मीडिया पे। और जिस तरह डिक्टे मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर उन्होंने बलोचिस्तान पे जुल्म किया, जगह जगह आग लगाई, आपके वोट से आए हुए नवाज शरीफ ने न सिर्फ वो आग बुझाने की कोशिश की, बल्कि वोट को इज्जत दो का नारा उसने आज नहीं लगाया, उसने ये नारा बाद में लगाया था, वोट को इज्जत उसने पहले दिलवाई थी। आपको याद है ना, बलोचिस्तान में 2013 के बाद नवाज शरीफ चाहता तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन सकती थी ना, लेकिन उसने बलोचिस्तान के अवाम के वोट को इज्जत दी और डॉक्टर मोहम्मद मालिक साहब को वजीर आला बनाया बलोचिस्तान का। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में मेजॉरिटी पीटीआई की थी, तहरीक इंसाफ की थी, लेकिन वहां जोर तोड़ करके मुस्लिम लीग नून 2013 में हुकूमत बना सकती थी, लेकिन नवाज शरीफ ने पीटीआई के वोट को भी इज्जत दी और पीटीआई को वहां पूरी सहूलत फराहम की कि वो अपनी हुकूमत बना सकें। और आज जब चेयरमैन सेनेट को तब्दील करने की बारी आई है, तो किसका नाम आया है? आज भी बलोचिस्तान में माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है, लेकिन नवाज शरीफ ने जेल से फैसला किया कि हासिल बजेंजो साहब बलोचिस्तान से सेनेट के चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। ये हैं आवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो दिलों को जोड़ते हैं, जो सूबों को जोड़ते हैं, जो बलोचिस्तान को पंजाब से, पंजाब को केपीके से,
केपीके को सिंध से जोड़ते हैं और अभी अभी लगाएंगे, अभी लगाएंगे और लगाएंगे। लेकिन देखो सिर्फ नवाज शरीफ ने दिलों को नहीं जोड़ा, सी पैक के जरिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए बलूचिस्तान को पूरे पाकिस्तान से जोड़ दिया। 45 अरब का जो मंसूबा था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें नए मंसूबे डाले बलूचिस्तान के लिए और उसको 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट बना दिया। और गवादर पोर्ट का तो पता है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पता है ना गवादर पोर्ट का, बलूचिस्तान में जो गवादर पोर्ट है उसको दुनिया की कामयाब तरीन और इफेक्टिव तरीन पोर्ट बनाने की, बंदरगाह बनाने की पूरी प्लानिंग कर दी। लेकिन मेरे भाइयों, यौम-ए-स्याह है कि तरक्की का पहिया रुक गया है, पाकिस्तान की तरक्की को ब्रेक लग गई है। और मेरे भाइयों, और आखिर में अपने बलूचिस्तान के गयूर भाइयों बहनों बुजुर्गों के सामने नवाज शरीफ की बेगुनाही का मुकदमा रखने आई हूँ। बलूचिस्तान के मेरे गयूर आवाम, आज मैं आपकी अदालत में नवाज शरीफ की बेगुनाही का मुकदमा रखने आई हूँ। वो जज वाली वीडियो देखी थी ना, जिसने नवाज शरीफ को सजा दी, वो अपने मुंह से कह रहा है कि नवाज शरीफ के ऊपर एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई, नवाज शरीफ के ऊपर एसेट बियॉन्ड मींस का मुकदमा भी साबित नहीं हुआ, नवाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक पाई साबित नहीं हुई, पाकिस्तान से कोई पैसा कभी बाहर नहीं गया। तो बलूचिस्तान के मेरे भाइयों बहनों, मुझे जवाब दो कि अगर नवाज शरीफ बेगुनाह है तो नवाज शरीफ आज जेल की काल कोठरी में क्यों बंद है? मुझे जवाब दो इस बात का। मेरे भाइयों, आज मैं बलूचिस्तान से नवाज शरीफ की बेगुनाही पर मोहर लगाने आई हूं। आज मैं आपकी अदालत से नवाज शरीफ की बेगुनाही पर मोहर लगवाने आई हूं। आप मुझे हाथ उठा के बताओ, क्या आप बेगुनाह नवाज शरीफ की रिहाई चाहते हैं? बेगुनाह नवाज शरीफ की, और बेगुनाह नवाज शरीफ की रिहाई का मुतालबा करते हो ना? एक दफा फिर दोनों हाथ उठा के बेगुनाह नवाज शरीफ की रिहाई का मुतालबा करते हो ना? और आखिर में मुल्क के मोहतरम इदारों से मैं एक दरख्वास्त करूंगी, मैं मुल्क के मोहतरम इदारों से एक दरख्वास्त करूंगी कि आप अवाम के इदारे हैं, आप बलूचिस्तान के इदारे हैं, आप पंजाब के इदारे हैं, आप सिंध के इदारे हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा के इदारे हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान के इदारे हैं, आप इमरान खान के इदारे नहीं हैं। आप एक नालायक, ना अहल और उस शख्स के जिसका नाम इमरान खान है, जिसने पाकिस्तान को तारीखी नाकामी से दोचार किया, आप उसके नुमाइंदा नहीं हैं, आप हमारे नुमाइंदे हैं। आपसे बलोची भी, मेरे बलूचिस्तान के भाई बहन भी नाराज हैं, आपसे पंजाब के मेरे बहन भाई भी नाराज हैं, आपसे सिंधी भी नाराज हैं, आपसे खैबर पख्तूनख्वा के भाई बहन भी नाराज हैं। तो आगे बढ़े और एक नाकाम और नामराद इंसान का साथ छोड़कर अवाम का साथ दें, अवाम के बिल मुकाबले आके खड़े ना हो। ये अवाम आपकी इज्जत करना चाहती है। ये कायदीन जो यहाँ बैठे हैं, ये जो जमातें यहाँ बैठी हैं, ये जो मरियम नवाज खिताब कर रही है,
ये आपसे प्यार करती है, आपकी इज्जत करना चाहती है। रियासत माँ होती है मेरी भाइयों, रियासत माँ होती है और इदारे भी माँ और रोल प्ले करते हैं। तो मेरी अपने इदारों से गुजारिश है कि एक नालायक और ना अहल शख्स की नाकामियों का बोझ मत ढोएं। ना अहल और नाकाम इमरान खान के लिए अवाम से टक्कर मत लें। ना लायक और ना अहल और ना मुराद इमरान खान की खातिर अपने इदारों को अवाम के दिल मुकाबिल खड़ा मत करें और आगे बढ़ें। ये अवाम जो यहाँ बैठी है, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, इनको आगे बढ़कर सीने से लगाएं, आगे बढ़कर इनके मसाइल को हल करें, वोट को इज्जत दें और इनकी नुमाइंदा हुकूमतों को आने दें। इस मुल्क की तरक्की कभी मुमकिन नहीं हो सकती अगर इस मुल्क में नुमाइंदा हुकूमत नहीं आएगी। और आखिर में मेरे भाइयों, अपनी बहन मरियम नवाज के साथ एक वादा और मिलके करते हैं कि पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम, जिसको बलोचों ने कभी बलोचिस्तान के अवाम ने कभी गिरने नहीं दिया, थाम के रखा है। और वो परचम जो मेरे बलोचिस्तान के अवाम की गैरत है, उनका नाज है, उनका फखर है, मेरे जैसे करोड़ों बहनों का, बेटियों का वो परचम, वो दुपट्टा है। आओ मिलके वादा करते हैं कि उस परचम को कभी सरनिगुन नहीं होने देंगे। वादा करते हो ना? और आखिर में एक और वादा करो, अगर इस जाली हुकूमत को जो आपके वोट चोरी करके आई है, इसको आखिरी धक्का लगाने के लिए अगर पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से अगर मेरे भाई बहन इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, तो क्या बलूचिस्तान भी आएगा? इस्लामाबाद की तरफ मार्च करोगे ना? चलो मेरे साथ मिलके मेरे बलूचिस्तान के बहन भाइयों, ये नारा लगा दो, बलूचिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान बल्कि दुनिया के हर कोने में ये आवाज जानी चाहिए, एक दफा पाकिस्तान। अल्लाह ताला मेरे बलूचिस्तान के बहन भाइयों का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपका मददगार हो, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।